हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। आई होप आपको ये मेथड आते होंगे बैलेंस करना, क्योंकि टेंथ के अंदर आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं आप कितना इफेक्टिवली कर पाते हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता देती हूँ। जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ना, जो हम सबसे ज़्यादा ट्राई करते हैं, वो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। आई होप आप भी इसी मेथड से सॉल्व करते होंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करवाने के अंदर हेल्प करवाते हैं। तो सारे मेथड तो नहीं पढ़ेंगे, आज तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसके अलावा दो मेथड और बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बता रही। अभी आप सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही करें, इसके बाद मैं आपको वो मेथड्स आगे आपकी एक यूनिट में दोबारा से बैलेंसिंग के बारे में हम बात करेंगे, तब मैं आपको वो मेथड पक्का करवाऊंगी। ओके, तो सिर्फ देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग होता क्या है किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो आप बहुत इजीली, मान लो कोई आपसे पूछ ले, तो आप बहुत इजीली उसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स जब होंगे, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस कंडीशन के अंदर है। अगर इनमें से किसी भी साइड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वारी कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर नहीं है, हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये पक्का ध्यान में रखना है कि हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर ही लिखें, ऐसे ही डायरेक्ट लिख के ना छोड़े उसे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे कोई भी नेम रिएक्शन है कुछ भी आपको दे दिया जाता है, आप फटाफट उसे लिख देते हैं, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है तो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसे बैलेंस कंडीशन के अंदर लिखने पर ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो देखिए, जैसे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर सबसे इजी लेते हैं H2+O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या बनाया है, हमने वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। तो देखिए, क्या ये बैलेंस कंडीशन के अंदर है। मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ कि हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड जो है उसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, आपको, मुझे नहीं पता आपने पीछे कौन से तरीके से सीखा है, आप यहाँ पे आप थोड़े से ग्रोप कर जाओ। डायरेक्ट करेंगे हम H2+O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो काउंट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पे कितना है, वन है। यानी यहाँ पे टू करने के लिए मुझे ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस होंगे दोनों साइड में। तो इसके आगे हम क्या लगा दें, यहाँ टू। इसका मतलब क्या है, इस पूरे मॉलिक्यूल को, जो पूरा हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है, उसे हम टू से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन तो कितने हो गए, अब टू हो गए, यहाँ भी टू ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए। यहाँ पर जो भी डिजिट लिखी हुई होती है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस हाइड्रोजन के पास जो भी डिजिट है उसके साथ। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, फोर हो गया, सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे फोर हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है हमारे पास, सिर्फ टू है। तो अब क्या करें, इसका मतलब इसे भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। अब चेक करें आप, 2H2+O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड के अंदर क्या है, बैलेंस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। ओके ओके, तो एक इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली। अब देखिए दूसरी, N2+H2 converted into NH3, N2+H2 converted into NH3, ये equation है, इसे balance करना है हमें। कैसे balance करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले वही तरीका है हमारा, जो count करना start करेंगे, nitrogen देखिए इधर कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1, तो कितने से multiply कर दूँ इसे, 2 से multiply कर दूँ, both side जो nitrogen है वो balance हो गए। अब hydrogen देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3 तो थे, लेकिन हम इसे ऑलरेडी कितने से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 3 × 2 जो कितने हो गए, 6, यानी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये 6 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया, 6। अब जो दोनों साइड है वो एग्जैक्टली बैलेंस कंडीशन के अंदर है। और एग्जाम्पल देखिए, CH4+O2 कन्वर्टेड इंटू CO2+H2O,
O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करें आप, किस तरीके से बैलेंस करेंगे। अब कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, सिर्फ 2 है। 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन काउंट करें, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ पे है और ये एक ऑक्सीजन है, लेकिन ये पूरा जो मॉलिक्यूल है 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी कितने हैं 2, 4 है। यानी ऑक्सीजन इस साइड 4 है, इस साइड कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4 के इक्वल आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इक्वेशन हो गई बैलेंस हमारी। तो इस तरीके से बैलेंसिंग करके दिखानी है आपको, जो भी इक्वेशंस आपको दी जाएं उन्हें आपको इसी तरीके से बैलेंस करना है। जरूरी नहीं है, देखो अभी जो एग्जांपल मैंने लिए हैं बहुत सिंपल से लिए हैं, आप इन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करें। अगर किसी को बैलेंसिंग में दिक्कत आती है तो उन्हीं एग्जांपल्स को बार बार सॉल्व करके देखें, जो ऑलरेडी सॉल्व कंडीशन में आपको जिनका आंसर दिया हुआ हो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप जो काफ़ी टफ भी होंगे तो भी आप कर पाएंगे। देखिए ये तो सारे इजी थे, या तो हम 2 से या 3 से, बस इतने से ही बैलेंस हो जा रहे थे, लेकिन बहुत सारी इक्वेशंस आपको ऐसी भी मिलेंगी जो 2 या 3 से बैलेंस नहीं होंगी। काफ़ी मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा आपको उसके लिए कि किस तरीके से बैलेंस करें। 6 तक भी नंबर पहुंच जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने एक इक्वेशन जो मोस्ट फेमस इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, प्लांट्स अपने फूड प्रिपरेशन के लिए जिसका यूज़ करते हैं, कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं, 8 एग्जांपल यहाँ पर है, और ये एग्जांपल और इंक्लूड कर लें क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट रिएक्शन है। तो आप मुझे ये बैलेंस करके दिखाएं थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड। आप यहाँ पे 1 by 1 एक को सोल्व करें फिर दूसरी को, और ऐसा ना करें कि इसी के अंदर कर लें, पहले आप क्वेश्चन लिखें उसके नीचे उसका आंसर लिखें। यानी यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर आप लिख के मुझे बताएं कि आपने कैसे ये बैलेंस किया, जो भी डिजिट आपको लगानी है उस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें इसे। तो इन सबको आप सोल्व करेंगे और मुझे इनमें से सिर्फ आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में बताने वाले हैं वो एक तो ये इक्वेशन बताएंगे, इक्वेशन नंबर 9 डाल देते हैं हम इसे, और एक आप मुझे बता दें इक्वेशन नंबर, अच्छा चलो एक तो 9 सभी बताएंगे, इसके अलावा इनमें से आप जो भी अपनी चॉइस की बताना चाहें वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर। और ये जब हम भी आप नोट्स बना रहे हैं, आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, तो जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे एग्जांपल्स इंक्लूड कर लें। ओके, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इन्हें सॉल्व करना है आप सबको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इनको यूज़ करें 1 by 1 आप आंसर जो है वो फाइंड आउट करें और फिर इन्हें सॉल्व कंडीशन के अंदर लिख दें।